आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से, जहां पे कानपुर नगर मोती झील के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया है। समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्य मंत्री नीलम रोमिला, विधायक इरफान सोलंकी, विधायक अमिताभ वाजपेयी व अन्य समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन में मूल रूप से कुछ मुद्दों पर सरकार को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घेरा, जो इस प्रकार हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती व जो सफाई कर्मचारी महकमों में काम कर रहे हैं उनको पक्का करना, ठेला दुकानदारों की फेरी नीति, दुकानदारों की किराए में वृद्धि एवं लाइसेंस फीस में वृद्धि, कूड़ा उठाना एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, बिना विकल्प चट्टा उखाड़ना एवं भैंसों की नीलामी करना, हाउस टैक्स की आनन फानन में बढ़ोतरी करना, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सरकार को घेरा है। ये तमाम वह मुद्दे हैं जो आम जनता की जिंदगी से जुड़े हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।